हर तरफ आग ही आग है। ना खुदा या रसूल खुदा। सालाना आग की तादाद कमोबेश 2000 के आसपास है। सालाना 70 अरब रुपए का माली नुकसान। आग बुझाने की वो तमाम चीजें किसी को पता ही नहीं है कि ये चलता किस तरह है। मामूली सी गलती से बड़ी बड़ी जानी नुकसान हो जाते हैं। आग लगने की वजह से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। बंदों को देख रहा था, गिर रहा था, आग लगा हुआ था। 300 के आसपास हलाकतें हुई। अभी गैस शुरू की तो मोबाइल की फोन की घंटी बजी, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ये पाइप लीक कर रहा है या ये पाइप का ये जो नोजल में जो लगा हुआ होता है वो लीक कर रहा है। वो पाइप रबड़ का होता है, सख्त होने के बाद वो चटकता है, उसमें से गैस लीक होना शुरू होती है। लीकेज की वजह से गाड़ी में धमाका हुआ। छोटा सा पलक लेने में पलक तकलीफ होती है। सही तरह से उसको एक जगह पे इकट्ठा करके और उसको सलीके से लगाया जाए। सिगरेट जला के पी रहे होते हैं रात में सोते वक्त। अपने आप को तो नुकसान पहुंचाएंगे, अपने साथ साथ औरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आग में से टेम्परेचर डाउन कर दें या हम ऑक्सीजन को ख़त्म कर दें या हम फ्यूल को हटा दें, जलने वाला समझता है कि यही शायद मेरी मदद कर सकता है, वो आपके साथ चिपट जाएगा। मशीन पड़े हुए ना, उसको चेक किया नहीं जाते, शॉर्ट सर्किट देखी जाती है, हंगामी दरवाजे खराज होता है, वो नहीं होता। मेरे हिसाब से फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। इस दुनिया की आग की शिद्दत और इसके आग से जलने की तकलीफ को देखकर जहन्नम की आग से बचने की सूरत पैदा करें। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।